तो आपने इतना काम किया है और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, कोट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जल जंगल और ज़मीन को उजाड़ रही है हेमंत सरकार। वो आगे कहते हैं कि हेमंत सरकार ने झारखंड का हाल बेहाल कर दिया, बालू पत्थर की लूट मची है, जंगल की कटाई, सरकारी भूमि पर कब्जा जोरों पर है। हेमंत सरकार ने चुनाव में किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ये यूनिवर्सल स्कीम कहाँ से आई? रघुवर दास जी लाए और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से लगभग 75 लाख लोगों को हम लोग पेंशन देंगे। 75 लाख लोगों को साल में बूढ़े बुजुर्गों को धोती साड़ी दो बार हम देंगे। हम लोगों ने 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड अब राज्य सरकार अपने जिम्मे लोगों को दे रही है। ये कहाँ से आ रही है? आज फॉरेन स्कॉलरशिप, आज यहाँ के आदिवासी बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं। कभी किसी ने सपने में सोचा? आम वर्गों के लोग तो किसी के रिश्ते नाते चले गए तो उनको भी बोला भाई मेरा रिश्तेदार है, चलो हम विदेश उसको ले आते हैं। लेकिन इन आदिवासियों को कौन ले जाने वाला था? अच्छा, मतलब इस पर आपका पूरा फोकस है। आज लड़कियों को जो स्पोर्ट्स पर्सन लड़कियां थी इनके रीजन में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां खाने के लिए उनके पास रोजी रोटी नहीं, दूसरे के यहाँ दाई रेजा कुली का काम करते थे। उन लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों ने सीधे नौकरी पर रखा। अच्छा, लगभग 40 लड़कियों को हम लोगों ने इस तरीके के लड़कियों को सेलेक्ट करके ये सरकारी नौकरी में रखा। मतलब सोशल स्कीम पे भी बहुत काम हो रहा है। ये सोशल स्टेट ही है। इस स्टेट को आप गुजरात के से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, गुजरात वाला मॉडल आप नहीं मानते हैं? गुजरात का मॉडल विकास का जो मॉडल है किसी को गुजरात ही तक सीमित है। अच्छा, वो दूसरी जगह जहां जो लगाएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? वो वहीं के लोगों के लिए सुटेबल है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए मुझे बड़ी, आजकल चूंकि आपने खुद गुजरात मॉडल का जिक्र कर दिया, डबल इंजन सरकार की बड़ी बात होती है आजकल हर जगह चुनावी सभाओं में रैलियों में कि डबल इंजन की सरकार लाओ। आपके यहाँ तो सिंगल इंजन है। डबल इंजन तो, यहाँ भी थी। अच्छा, डबल इंजन तो उसकी कमी महसूस हो रही है क्या? डबल होती है, डबल इंजन थी सरकार, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इंजन ही इंजन थी, पब्लिक तो था ही नहीं उसमें। अच्छा, डब्बे भी नहीं थे। डब्बे भी नहीं थे। अच्छा, तब इंजन लेके लोग करेंगे क्या? इस वजह से एक इंजन हटा दिया लोगों ने, तो उसकी वजह से विकास की रफ्तार में तो कोई कमी तो नहीं आ रही है ना रफ्तार? देखिए, यहाँ के लोगों का और यहाँ के लोगों की जरूरत डबल इंजन की सरकार को शायद ये सूट नहीं किया। अच्छा, और आज यही वजह है कि आज वो इंजन एक उतर गया, अब बोगियां लग गई, अब सभी लोग सवार हैं और काफी मतलब उत्साहपूर्वक लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आपका विकास पे फोकस है और इतना इतने काम कर रहे हैं, आपने गिनवाए काम महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए, आदिवासियों के लिए, फिर ये जो मैं आंकड़ों की जुबानी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एंटी लिंचिंग बिल जो आपकी सरकार ने पास किया, मतलब मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ये तीसरा राज्य है जहाँ पर ये बिल आप लेकर आए, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों जरूरत पड़ी आपको? मतलब इसके जरिए कुछ खास संदेश तो नहीं देना चाहते आप? नहीं, देखिए, कानून बनना चाहिए कि नहीं बताइए? कानून तो ढेर सारे बन रहे हैं। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, बनने चाहिए। आपको मालूम होगा 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण क्या था? एक डर, भय, मतलब एक माहौल ऐसा लगता था कि अगर अकेले चल रहे हो दिन में भी तो लग रहा है कि रात के सन्नाटे में चल रहे हैं। आज इस लोकतंत्र का ये चेहरा नहीं था और शायद कारण कोई भी हो जी, ये वातावरण ऐसा बना कि भाई भाई से लड़ने लगा,
समाज में द्वेष फैलने लगे, समाज के अंदर एक ऐसी चीजें पनपने लगी जी, जो इस लोकतंत्र के खूबसूरती को खराब कर रहा था। अच्छा। और उस जिसको हम लोग शायद देश दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर भी लेते हैं कि भाई भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां अलग अलग जात धर्म, अलग अलग सोच, अलग अलग रंग बिरंगे लोग रहते हैं और काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो खराब कौन कर रहा है सौहार्द को? अब खराब कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक अलग विषय है। नहीं नहीं, क्योंकि आप लिंचिंग बिल लेकर आए ना, एंटी लिंचिंग बिल, तो इसकी जरूरत आपको महसूस हुई होगी तभी तो। लिंचिंग का मतलब ये सभी के लिए है, लिंचिंग एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये विधेयक कानून पर कोई हिंदू नहीं लिखा, कोई मुस्लिम नहीं लिखा, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, कोई आदिवासी नहीं लिखा, वो एक बिल है। किसी की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी आप सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। और इस पीरियड में जो हम लोगों ने 2014 के बाद जो हम लोगों ने देखा इस राज्य में, एक तो उदाहरण पेश हो गया था यहाँ पर, मॉब लिंचिंग का ये लॉन्चिंग पैड सा बन गया था। कब? रघुवर दास की सरकार में, पूर्व की सरकार में। अच्छा। हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, आदिवासी मारे गए, सभी लोग मारे गए। तो ये कानून एक व्यक्ति के लिए नहीं आता, कानून सभी के लिए है। ये बिल्लियां आपके गार्डन में क्या कर रही हैं सर? ये मैं काफी देर से देख रहा हूँ उनको चहलकदमी करते हुए। वो शायद आज हम लोगों को भी देख करके, काफी आप लोग भी कैमरे वमरे लेके इधर उधर नहीं, आपको शौक है क्या मतलब? तो, ये लोग देखिए हमारे यहाँ कुत्ते भी हैं। अच्छा। तो जानवरों से बैठिए सर, और प्रकृति से हमें थोड़ा लगाव है। हाँ। इस वजह से हम लोग इनको जीने का स्वतंत्रता देते हैं। हाँ हाँ। कि तुम भी जियो, हम भी जियेंगे। अच्छा। सह अस्तित्व की भावना से चीजें हो रही हैं। ABP News, आपको रखे आगे।